अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज जनाब आपके लिए सीख कबाब की रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले एक किलो चिकन को हम स्मॉल क्यूब्स में काट लेंगे। उसके बाद जनाब तमाम मसाला जात हम तैयार करेंगे। मसाले तैयार करके हमने हाफ के जी ऑनियन को चॉप कर लिया। उसके बाद जनाब दो ग्रीन चिलीज को लेके उसमें स्मॉल पीसीस में कट कर लिए। अब जनाब बारी है तमाम मसाला जात को तैयार करने की। तमाम की मैंने क्वांटिटी आपकी सहूलत के लिए एक अलहदा पेज पे लिख दी है, आप वहां से मुलाहिजा फरमा लीजिएगा। जनाब अब इसके बाद हमने प्रोसेसर में इन तमाम चीज़ों को डालना है। सबसे पहले हमने चिकन क्यूब्स को डाल दिया, उसके बाद जनाब हम अपने तमाम मसाला जात को प्रोसेसर में डालेंगे। ये लीजिए हमारे मसाले भी चले गए। इसके बाद जनाब हम इसमें ग्रीन चिली शामिल करेंगे और उसके साथ साथ हरा धनिया शामिल करेंगे। ये लीजिए दोनों चीज़ें हमने शामिल कर ली जनाब। उसके बाद हमने इसमें दो क्लोव्स गार्लिक के और जिंजर का एक इंच हमने शामिल किया, और उसके बाद जो हमने ग्राइंड की हुई थी प्याज वो भी इसमें शामिल कर ली। ये तमाम चीज़ें तमाम अज्जा शामिल करने के बाद जनाब अब इसको हम प्रोसेसर में ग्राइंड कर लेंगे। हमारा हो गया मिंस तैयार। जनाब सीख कबाब का हमारा कीमा तैयार हो गया। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कीमा हमारा प्रोसेसर के बाद तैयार हुआ है। अब जनाब इसमें हम 50 मिलीलीटर घी शामिल करेंगे। हमने इसमें 50 ग्राम ही बटर शामिल किया, चीज़ भी 50 ग्राम हम शामिल करेंगे। लीजिए चीज़ भी शामिल कर ली, और सबसे आखिर में 50 मिलीलीटर इसमें हम क्रीम के शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को शामिल करके अब इसको जनाब बारी है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने की। ये लीजिए हमारा कीमा मिक्स हो गया। अब जनाब इसके हम सीख कबाब बनाना शुरू करते हैं। आप सीख पे बना लीजिए, या आपके पास स्मॉल स्टिक्स हों जैसे मैंने जोड़ के कोई जुगाड़ किए तो इस तरह आप इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। मकसद है हमारा काम को मुकम्मल करना। ये लीजिए जनाब इस तरह हम सीख पे इसको बना के उतारते चले जा रहे हैं। अब जनाब इसको हम ऑयल को करेंगे गरम और इसको हम फ्राई करेंगे। ये लीजिए जनाब पहला हमारा सीख कबाब चल गया, ये दूसरा सीख कबाब हमने फ्राइंग पैन में डाल दिया। जनाब 2 मिनट के लिए हर साइड को हम इसको फ्राई करेंगे। देखो माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया। और लीजिए जनाब आपके सीख कबाब हो गए तैयार। चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज जनाब मैं आपके लिए मज़ेदार लच्छेदार शामी कबाब बनाने का आसान तरीका लेकर हाजिर हूँ। आप रमज़ान मुबारक में इफ्तारी के लिए बनाएं, सहरी के लिए बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत काम आएगा। जनाब हाफ के जी हमने इसमें गोश्त इस्तेमाल किया है, उसमें 2 गिलास लीजिए हमने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद इसमें हम जनाब चने की दाल शामिल कर देंगे। चने की दाल भी हमारी शामिल हो गई। इसके बाद जनाब इसमें हमने नमक शामिल कर लिया। जनाब बताना इतना ही आसान, मुश्किल लगता है। लीजिए हमने इसमें टर्मेरिक भी शामिल कर लिया, इसमें ज़ीरा शामिल हो गया, और लीजिए हमने इसमें साबुत धनिया भी शामिल कर लिया। तमाम मसाला जात एक साथ जाएंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद हमने दालचीनी इसमें शामिल कर ली, और इसके बाद जनाब हमने इसमें अदरक के 1 इंच के 4 पीसेस शामिल कर लिए। अदरक के बाद हमने एक बंच ले लिया जनाब लहसुन का, वो इसमें शामिल कर लिया साबुत लहसुन, और उसके बाद हमने लौंग इसमें शामिल कर ली। लौंग के बाद जनाब काली मिर्ची हम इसमें शामिल कर लेंगे, और जनाब इसके बाद बारी है इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने की। वेल थोड़ा सा क्या, इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाते हैं आज, ठीक है। इसमें हमने लाल साबुत मिर्चें शामिल की हैं। आप अपने हसब जायका जितनी आप इसको मसालेदार और इसमें स्पाइसी रखना चाहें उस हिसाब से आप इसमें लाल मिर्चें शामिल कर लीजिए। और इसके बाद जनाब हमने इसको मिक्स करना है।
मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे। तकरीबन 50 टू 60 मिनट्स इसको लगेंगे गोश्त गलने तक, चने की दाल गलने तक। हम इसको हल्की आंच के ऊपर इसको कवर करके छोड़ देंगे। ठीक है, चलो इसको हमने चेक कर लिया और इसको हम कवर कर देंगे। ये लीजिए जनाब, हमने इसको कवर कर दिया। थोड़ा सा इसको खोल देंगे ताकि भाप निकलती रहे और ये बाहर ना गिरे। लीजिए जनाब, हमारा गोश्त चने की दाल गल चुके। इसको हम इस तरह मिक्स कर लेंगे। केयरफुल रहिएगा, इसमें ग्लव्स पहन लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हाथों को आपके स्पाइसेस की वजह से नुकसान होने का ख़तरा है। लहसुन को इस तरह हम हाथों से दबा लेंगे, ये लीजिए, और बाकी जो बचा हुआ है उसको फेंक देंगे। इसी तरह इसमें हम तलाश कर लेंगे जो हमारे दालचीनी की स्टिक्स हैं, तो वो भी हम इसमें से ढूंढ के निकाल के, ये लीजिए देखिए, उसको फेंक देंगे। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया जनाब। जब ये सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी तो उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको ग्राइंड करेंगे। ठीक है, ये निकाल लें, इसको चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद लीजिए हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। हमने इसको ग्राइंड कर लिया और ग्राइंड करने के बाद जनाब इसको हम अपने ग्राइंडर में से निकाल के इसको हम अगले स्टेप के लिए तैयार कर लेंगे। जनाब ये हमारा ग्राइंड होने के बाद अब हमने इसमें दो अंडे लिए हैं, दो टेबल स्पून हमने चाट मसाला, दो टेबल स्पून गरम मसाला, चार हमने ग्रीन चिली चॉप्ड लिए हैं, हाफ टेबल स्पून हमने ब्लैक सॉल्ट लिया है, हाफ टेबल स्पून ये वाइट पेपर लिया है, और हमने हरा धनिए का की एक गड्डी उसको चॉप कर लिया। देखिए इसको हम मिक्स करेंगे, चाट मसाला हरा धनिया डाल के लीजिए हम इसको मिक्स करते चले जा रहे हैं। ये हमारा मिक्स हो गया। मिक्स करने के साथ साथ इसमें हमने जो चॉप्ड की हुई हरी मिर्चें हैं वो भी इसमें शामिल करते चले जाएंगे। इंतहाई लच्छेदार मज़ेदार स्पाइसी आपके कबाब बनके तैयार होंगे इंशाल्लाह। और आप इसको इफ्तारी में सर्व करें, आप इसको सहरी में सर्व करें, पूरी फैमिली इंशाल्लाह इसको बहुत मज़े ले लेके खाएगी। हमारा कबाब का सारा सामान तैयार हो गया। अब जनाब इसकी हम सबसे पहले इसकी बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के बाद इसको फिर थोड़ा सा हम प्रेस करके इसके कबाब को इसको शेप में देंगे। ये लीजिए हमारा पहला कबाब तैयार हो गया। अब इसी तरह हम इस प्रोसेस को रिपीट करते चले जाएंगे। ये लीजिए जनाब, हमारा दूसरा कबाब भी तैयार हो गया। ये बारी है अब हमारे तीसरे कबाब की। ठीक है, इसी तरह हम इसकी बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के बाद इसको बॉन्डेज करने के बाद इसका हम कबाब की शेप में लेंगे। ठीक है, चलिए जनाब अब इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। फ्राई पैन में हमने एक कप ऑयल ले लिया। ऑयल को गर्म करने के लिए का इंतज़ार करेंगे। देखिए इसमें तरीके से गर्म होना शुरू हो गया ऑयल। इसके बाद जनाब इसमें जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अपने कबाबों को डालना शुरू कर लेंगे। इसमें ये लीजिए पहला कबाब हमने डाल दिया इसमें। इसके बाद जनाब दूसरे कबाब को भी हम डाल देते हैं। ये लीजिए तीसरा कबाब भी हमारा चला गया। देखिए माशाल्लाह से कबाबों का जो फ्राई होना है उसका अपना ही एक अंदाज़ है, खूबसूरती है, माशाल्लाह। देखिए हम इसको तकरीबन 4 मिनट तक एक साइड को हम फ्राई करेंगे। ठीक है, एक साइड, ताकि वो साइड हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। जब 4 मिनट पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद जनाब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। ये हमारे देखिए 4 मिनट पूरे हो गए, ऑयल का कलर भी देखें आप चेंज हो गया। और ये लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना खूबसूरत कलर आया हमारे कबाबों का, माशाल्लाह। देखने में इतने प्यारे हैं तो जनाब आप जब इंशाल्लाह पका के इसको खाएंगे, सहरी में इफ्तारी में सर्व करेंगे अपनी फैमिली को, एवरीबॉडी गोना बी हैप्पी विथ यू। लीजिए माशाल्लाह हमारे कबाब, इस साइड से भी हम इसको 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और जनाब हमारे शामी कबाब हो गए तैयार। टाइम है इसको सर्व करने का। जनाब इसको सर्व भी तो स्पेशल तरीके से करेंगे ना। मैंने आपको आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी आपको बताई हुई है,
कुछ दिन पहले उसके साथ इसको सर्व करके खाएं, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। चलिए जनाब, अपना, अपने घर वालों का, सब दोस्तों का ख्याल रखिए, रमज़ान मुबारक में दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपका दोस्त, आपका साथी रईस राजपूत एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कटलेट्स बनाने की रेसिपी बताऊँगा, बहुत जल्दी तैयार होने वाली है, बहुत कम लागत के साथ, लेकिन मज़ा और टेस्ट ऐसा कि आप शामी कबाब को भूल जाएंगे। इसको इसमें 1 टेबल स्पून नमक का शामिल करेंगे। ये लीजिए जनाब, हमने नमक भी शामिल कर लिया। इसके बाद जनाब बारी है इसमें हल्दी शामिल करने की। इसमें 1.5 टीस्पून मैं हल्दी भी शामिल कर लेता हूँ। जब पानी हमारा बॉयल होने लगे तो इसमें अब हम आलू शामिल कर लेते हैं। बॉयल्ड आलू को हम एक पॉट में निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमने हरी मिर्च, हरा धनिया, ज़ीरा और प्याज काट के रखी है, वो इन आलू में शामिल करके इस आलू को मैश करेंगे। ठीक है, ये लीजिए जनाब, तमाम चीज़ें हमारी शामिल हो गई, इसको हम अब मैश कर लेते हैं। जनाब हमने अपने आलू को मैश कर लिया, तमाम हमारे अज्जा इसमें शामिल हो गए। अब बारी है इनके कबाब बनाने की। तो इंशाल्लाह इसमें 4 आलू में हमारे तकरीबन 15 से 20 कबाब आराम से बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये लो कॉस्ट है, तो सिर्फ इसमें आलू प्याज का खर्चा है। और एक बाउल में हम अंडे को तोड़ के डाल देंगे और उसके बाद उसको मिक्स कर लेंगे। इस अंडे में इंशाल्लाह हम अपने कबाबों को डिप करके फ्राई के लिए तैयार करेंगे। ये लीजिए जनाब, हमने डिप करना शुरू कर दिया और इसको फ्राई के लिए कबाबों को तैयार करना शुरू कर दिया। माशाल्लाह देखें, देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, जब बना के आप खाएंगे तो इंशाल्लाह दुआएं देंगे। फ्राई पैन में हम अपने ऑयल को गरम करेंगे। पहला कबाब किया, दूसरा गया, माशाल्लाह भाई देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इंशाल्लाह खाएंगे तो अल्लाह ने चाहा मज़ा भी बहुत आएगा। कल मैंने शिनवारी मटन कढ़ाई की डिश बना के अपलोड की थी, आप उसको ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि फ्राई करने में डिश को कितना मज़ा आता है। आई इन्जॉयड इट, कढ़ाई हो और वो भी शिनवारी हो और उसमें जब फ्राई होती हो ना, आह सुभान अल्लाह। तो लीजिए जनाब, हमारे कबाब भी फ्राई होना शुरू हो गए। 2 मिनट के बाद हम इसको इसकी साइड चेंज कर देंगे और एहतियात करेंगे कि इसको हमारे कबाब टूटने ना पाए। माशाल्लाह देखें, कबाब फ्राई होने के बाद कितना खूबसूरत गोल्डन कलर इस पर आना शुरू हो गया। ये लीजिए जनाब, आपके कटलेट्स फ्राई होके तैयार हो गए। अब टाइम है जनाब इनको डिश आउट करने का। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना, अपने घर वालों का, साथियों का, दोस्तों का, सबका ख्याल रखिए। अपने बाबा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, साथियों, प्यारे व्यूअर्स, आज आपके लिए मैं शाही कबाब बनाने की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। इंशाल्लाह ये ऐसी सादा और लजीज रेसिपी है कि आप शामी कबाब भूल जाएंगे। मेहमान अचानक आ जाए घर पे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, शाही कबाब बना के फ्रीज कर दीजिए, इंशाल्लाह आपकी मेहमानदारी बहुत अच्छी रहेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। जनाब सबसे पहले हम 3 बड़े मग चने की दाल के लेंगे और चने की दाल को एक बाउल में डाल के उसमें हम हसबे ज़ायका नमक शामिल करेंगे। उसके बाद 1 दालचीनी की डंडी, इसमें 10 लौंग आप शामिल कर लीजिए, 22 काली मिर्च शामिल कर लीजिए और साबुत लाल मिर्च जो है 5 शामिल कर लीजिए। आप अपने ज़ायका, अगर आप तेज़ मिर्ची खाना चाहते हैं तो आप 6 कर लीजिए, 7 कर लीजिए, इस इंटायरली अप टू यू। ठीक है, उसके बाद आप साबुत धनिया इसमें 5 टीस्पून डाल दीजिए और ज़ीरा इसमें 5 टीस्पून डाल के इसको पानी से भर के इसको हल्की आंच पे गलने के लिए छोड़ दीजिए। जब इंशाल्लाह हमारी ये दाल गल के तैयार हो जाएगी
तो इंशाल्लाह फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलेंगे। इंतहाई सादा, आपकी मेहनत थोड़ी सी है लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपके टाइम की, लो कॉस्ट है, एंड यू योर फैमिली एंड योर गेस्ट गोना लव दिस रेसिपी। दाल हमारी गल के तैयार हो चुकी है, इसको मज़ीद हम जो है मैश कर लेंगे। उसके बाद जनाब हम 5 हरी मिर्च लेके उसको बारीक चॉप कर लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए हमने हरी मिर्च भी चॉप कर ली। अब इंशाल्लाह हरा धनिया लेंगे, उसको भी इंशाल्लाह ये चॉप कर लेते हैं। ठीक है, हरा धनिया भी हमारा चॉप हो गया। दाल को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और उसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून हम लेमन जूस शामिल कर लेंगे। ये लीजिए जनाब, लेमन जूस भी शामिल हो गया। या अब हमने जो हरी मिर्च और हरा धनिया काट के रखा है चॉप करके, और चाट मसाला इसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए जनाब, हमारी कबाबों की मसाला दाल तैयार हो चुकी। अब इंशाल्लाह इस दाल से हम अपने कबाब बनाना शुरू करते हैं। ये लीजिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह, देखने में अच्छे प्यारे लग रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खाने में भी बहुत लजीज होंगे। एक बाउल में हम 1/4 टीस्पून नमक और काली मिर्च शामिल करेंगे, और उसके बाद 1 अंडा उसमें तोड़ के डाल लेंगे ताकि कबाब उसमें डिप करके हम अपने फ्राई की तरफ जाएं। ठीक है, इस तरह इंशाल्लाह आपके कबाब नहीं टूटेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका फ्राई के दौरान, जितना अच्छा ये दिखने में लग रहा है। आप खाएंगे इंशाल्लाह आपको इसकी लज्जत से और भी मज़ा आएगा, इसके टेस्ट से और भी मज़ा आएगा। माशाल्लाह, ये लीजिए जनाब, हमारा फ्राई हो चुका। तकरीबन 2 मिनट आप ईच साइड फ्राई करें, और जब अंदाज़ा हो जाए कि ये फ्राई हो गया है तो उसके बाद साइड चेंज कर दें। तो 2-2 मिनट मोर देन एनफ है, क्योंकि ये आपकी शाही कबाब की डिश तैयार हो चुकी है। आपके कबाब तैयार हो चुके जनाब, अब है वक्त इससे इसको मज़े ले लेके खाने का। अल्लाह का नाम लेके इसको खाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो क्या बात है, चलिए जनाब आप मुझे बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी, और अपने चैनल को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना अपने घर वालों का तमाम अजीज कारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल अगली रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।